evident that the person in the video is not the renowned Gangubai Kathiawadi star Alia Bhatt. Rather, the actress's face has been digitally manipulated onto someone else's body. Really hurt to share this and have to talk about the deepfake video of me being spread online. Something like this is honestly extremely scary, not only for me, but also for each one of us, who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused. आलिया भट्ट का एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले एनिमल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो वायरल होने से सुर्खियों में आ गई थीं। उनका डीपफेक वीडियो बनाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। अब आलिया का फेक वीडियो आने से फिर एक बार AI टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सामने आए आलिया भट्ट के डीपफेक वीडियो में एक लड़की व्हाइट एंड ब्लैक फ्लोरल ड्रेस पहने बोल्ड पोज देती नजर आई है। वीडियो में इतनी सफाई से AI टूल की मदद से आलिया का चेहरा इस्तेमाल किया गया है कि वो लड़की आलिया भट्ट ही लगती है। हालांकि उसके एक्शन और बॉडी पोस्चर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो फेक है। फिलहाल वीडियो में नजर आई लड़की की कोई पहचान नहीं हो सकी। डीपफेक वीडियो में आलिया की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हाल ही में रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन, मृणाल ठाकुर, नाग चैतन्य जैसे कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतरे। मामला बढ़ने के कुछ समय बाद उस लड़की जारा पटेल की पहचान की गई, जिसकी बॉडी में रश्मिका का चेहरा इस्तेमाल कर डीपफेक वीडियो बनाया गया था। उस लड़की ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें अपने वीडियो का गलत रूप से इस्तेमाल किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी। रश्मिका का डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इसके साथ ही पुलिस ने मेटा कंपनी से उस खाते का URL मांगा जिससे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था। कुछ समय पहले काजोल का एक वीडियो वायरल हुआ। फैक्ट चेक से सामने आया कि वो एक डीपफेक वीडियो था जिसे एक इन्फ्लुएंसर ने जून में बनाया था। डीपफेक एक तरह से फेक वीडियो है, हालांकि इसमें कई AI टूल का इस्तेमाल कर चेहरा, आवाज या एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और असली और नकली में फर्क पहचानना मुश्किल होता है। डीपफेक के मामले में AI टूल्स आने से ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इन टूल के जरिए आसानी से वीडियो एडिट की जा सकती है। सबसे पहले डीपफेक में फेस मॉर्फिंग होती है, जिससे किसी एक व्यक्ति के शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा जोड़ा जाता है। चेहरा बदलने के साथ साथ किसी व्यक्ति के कपड़े, एक्सप्रेशन और आवाज से भी छेड़छाड़ की जाती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर अलग अलग साइड में किया जाता है। किसी व्यक्ति की तस्वीरों को न्यूड फोटोज में बदलकर उन्हें इस साइड में अपलोड किया जाता है। डीपफेक के आने से आइडेंटिटी का खतरा काफी बढ़ गया है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।